बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर आई हूँ ब्रेड हाफ मून्स की रेसिपी। बहुत ही मजेदार और बहुत बहुत डिलिशियस। बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दीजिए या घर पे एंजॉय कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 200 ग्राम चिकन बोनलेस। इनकी छोटी छोटी मैंने बोटियां बना ली थी। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी यूज कर सकते हैं। इनको हम पहले कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके साथ इसको दोबारा से थोड़ा सा फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। चिकन का जो लिक्विड है वो हल्के हल्के ड्राई हो रहा है। अब इसमें तमाम मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले मैंने शामिल किए हैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/3 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काले मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। बस यही मसाले इसमें मिक्स होंगे। इसके अलावा हम इसमें कुछ शामिल नहीं करेंगे। अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत जबरदस्त आ रही है। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 अदद शिमला मिर्च जिसको मैंने बारीक क्यूब्स में कट किया हुआ है। इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद 2 मिनट के लिए बस लीड को कवर करके इसको रखेंगे लो फ्लेम पे जब तक शिमला मिर्च जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 2 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ही परफेक्ट और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको रखेंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ब्रेड स्लाइसेस ली है मैंने और इनके एजेस जो हैं वो हम कट कर कर रिमूव कर देंगे। इस तरह से अब रोलिंग पिन से इसको करेंगे प्रेस। इसी तरह तमाम ब्रेड स्लाइसेस को बेक कर हमने रख लेना है। इसी तरह तमाम स्लाइसेस को हमने रख लेना अब इनको है करेंगे बनाकर। और डिस्क शेप में कट। अब इस तरह मैंने का एक मैंने कटर कटर लिया लिया है। है। अगर आपके आपके पास पास कटर कटर नहीं नहीं ढक्कन है तो हो आप या किसी भी ग्लास हो जार का उससे ढक्कन आप या इसको ग्लास कट यूज कर कर लीजिए। सकते हैं। इस तरह से इसी डिस्क तरह इसकी तमाम निकल डिस्क को आएंगी। हमने इसी कट कर तरह कर तमाम साइड पे आपने रख बनाकर लेना रेडी कर है लेने हैं हाफ मून के लिए। हाफ मून के लिए राउंड शेप जो है वो जरूरी है। ये देखिए तमाम हमने इस तरह कट कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी थी। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं मोजरेला चीज 1/2 कप। इसको ग्रेट कर लिया था और इसको कर लेंगे मिक्स। और ये मजेदार सी चीजी फिलिंग जो है हाफ मून की रेडी है। आप चाहें तो विदाउट चीज भी इसको बना सकते हैं लेकिन चीज से जो है इसका टेस्ट और मजेदार बनता है। एक ब्रेड स्लाइस की डिस्क ली है। इसको पहले हम ब्रश करेंगे पानी से। थोड़े से कॉर्नर्स पे लगाएंगे पानी को ताकि ये अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। ब्रश से पानी लगा लिया है। अब इस पे रखेंगे 1 टेबल स्पून फिलिंग। साइड पर हमने फिलिंग रखनी है इस तरीके से। अब उसके कॉर्नर्स को हाफ उठाकर और दूसरी साइड पे हमने इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। इस तरह से प्रेस करना है इसको और हाथ की मदद से फिंगर से आप इसको हल्का हल्का इस तरह दबा दीजिए ताकि अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। पानी हम ऑलरेडी इस पे लगा चुके हैं। थोड़ा सा प्रेस कीजिए और ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें इसी तरह तमाम हम बनाकर रेडी कर लेंगे। अब सबसे पहले मैंने इसको करना है फेंटे हुए अंडे में कोट। 2 अंडों को मैंने फेंट कर रख लिया था और साथ में है ब्रेड क्रम्स, होममेड फ्रेश ब्रेड क्रम्स है ये। सेकेंड कोटिंग करेंगे इसमें। अच्छे से कोट कर लेंगे इसको। ये देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह इसको कोट करने के बाद इसको रख देंगे। आप चाहें इस तरह बनाकर फ्रीज कर सकते हैं और जिस टाइम भी आप इसको फ्राई करना चाहें तो आप आधे घंटे पहले निकाल कर इनको फ्राई कर लीजिए। अब मैं इनको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे।
तीन से चार मैंने इसमें ब्रेड स्नैक जो है वो डाल देने हैं, और उसके बाद इनको फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा वरना ब्रेड जो है वो डार्क होने के बाद जल जाएगी और उसका टेक्सचर और टेस्ट दोनों खराब हो जाएगा। ये देखिए लाइट कलर आ चुका है एक साइड पे, साइड हमने कर दी है टर्न, और जैसे ही दोनों साइड से ये परफेक्टली कलर आ जाएगा हम इसको निकालेंगे और गर्मा गर्म केचप के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है इन पर। अब मैं इनको निकाल रही हूँ, दिखाती हूँ आपको निकाल कर। ये देखिए बहुत ही मजेदार रेडी हुए हैं, क्रिस्पी और बहुत टेस्टी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्दी। अल्लाह हाफिज।